सो नमो बुद्धाय जय भीम। मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ दादर इलाके में, जहाँ पे स्थित है चैत्य भूमि। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लाखों की जनसैलाब हर साल उमड़ता है, इस बार भी आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे होर्डिंग्स लगी हुई है, चैत्य भूमि स्मारक कड़े जाने का मार्ग। हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चैत्य भूमि। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि इस क्यू में लग जाना, क्योंकि ये क्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। लगभग लगभग 8 से 10 किलोमीटर इतनी बड़ी क्यू होती है। जी हाँ दोस्तों, ये 8 से 10 किलोमीटर इतनी बड़ी क्यू होती है। और इसमें क्यू में लग जाना और उसके बाद चैत्य भूमि के अंदर जाना दर्शन करने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो चलिए चलते हैं और लग जाते हैं लाइन में, क्योंकि बहुत ही बड़ी लाइन है। देख सकते हो ये पूरे रोड के राइट साइड में फुटपाथ के ऊपर से अरेंजमेंट किया गया है लोगों का। तो फाइनली दोस्तों हमें यहाँ पे लाइन मिल चुकी है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। सो चलिए जल्दी जल्दी लग जाते हैं और फाइनली हम लोग दोस्तों पहुँच चुके हैं चैत्य भूमि के अंदर। अब यहाँ पे मोबाइल्स वगैरह अलाउ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने रिस्क पे दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे बाबा साहब जी की सुंदर प्रतिमा और उसके पीछे तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि मनमोहक होती है। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हमारी आंखें नम सी हो जाती है, क्योंकि यहीं पे हमारे बाबा साहब पंचतत्व में विलीन हुए थे। दोस्तों देख सकते हो आगे में वहाँ पे राम जी बाबा की तस्वीर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, देख सकते हो। इसके बाद पूरे फूलों से यहाँ पे सजाया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हो जगह जगह पे वॉलेंटियर्स वगैरह भी खड़े हैं। यहाँ पे राजगृह की फ़ोटो हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो बाबा साहब की फैमिली फ़ोटो हमें देखने को मिलती है। इस तरह से हमें यहाँ के दर्शन होते हैं। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर, अभी चलते हैं और दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा। क्योंकि दोस्तों चैत्य भूमि को लगकर ही दादर चौपाटी लगती है, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद सागर समुद्र की जो वेव्स होती है वो टकरा के वापस चली जाती है। और जैसे कि देख सकते हो कि मतलब वो खुद आती है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। अभी दोस्तों देख सकते हो कि राइट साइड में समता सैनिक दल और पूजनीय भिक्खु संघ द्वारा यहाँ पे बुद्ध वंदना चालू है। बहुत ही मतलब मन को भा जाता है। और इस परिसर में आने के बाद हमारी आंखें नम सी हो जाती हैं। बस बाबा साहब का ख्याल होता है, बाबा साहब के विचार मन में चलते रहते हैं, और बस बाकी कुछ भी नहीं। मेरी आंखें भी यहाँ पे आने के बाद नम सी हो गई। अभी दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये दोस्तों दादर की चौपाटी देख सकते हो पूरा, और इसी को लग के है चैत्य भूमि। और आगे में अभी देख सकते हो इधर पुस्तकों का मेला यहाँ पे लगा है, इधर पुलिस लोग पूरे बंदोबस्त के साथ। अभी हम लोग चलते हैं आगे तो देख सकते हो यहाँ पे बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध की फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पे लॉकेट्स, चेन, पंचशील के ध्वज, इसके बाद कैलेंडर यहाँ पे हमें देखने को मिला। और हर साल दोस्तों लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, और यहाँ से बाबा साहब के विचार किताबों के माध्यम से अपने घर अपने परिवार के साथ लेकर जाते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा हमें यहाँ पे, यहीं पे नहीं दादर की चैत्य भूमि पे बोलो, या नागपुर की दीक्षा भूमि पे बोलो, या फिर भीम जन्मभूमि महू में बोलो, हमें हर जगह पे यही सीनारियो देखने को मिलता है।
आगे चलते तो दोस्तों हमें कैलेंडर्स, बाबा साहब के फ़ोटो सुंदर सुंदर हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों दोनों साइड में देख सकते हो यहाँ पे पुस्तकों की प्रदर्शनी, इसके बाद बाबा साहब की फ़ोटोज़ अलग अलग आर्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो मन को एकदम भा जाता है। दोस्तों अभी निकलते हैं यहाँ से और डायरेक्टली चलते हैं बाबा साहब जहाँ पे रहा करते थे, उस राजगृह में। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राजगृह में। तो ये है उसकी नेम प्लेट, सेंटर से उस रात के समय राजगृह इस प्रकार से दिखता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी लोगों का आना जाना चालू है, पुलिस को यहाँ पर भी बंदोबस्त लगे हुए हैं। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में अशोक चक्रा में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लाइट लगे हुए हैं और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको पंचशील का ध्वज देखने को मिल रहा होगा और सेंटर में राजगृह वहाँ पे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।